है मेरा ये थर्ड डे सोलन में। अभी हम शांति वाले रोड से जा रहे हैं। ये जो ऊपर मेन हाईवे था हमने यहाँ से कट ले लिया नीचे के लिए, थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो सीधा ही नीचे। बारिश में थोड़ी थोड़ी लगी हुई है पर हवा बहुत ठंडी चल रही है। ये है देख सकते हो आप गाइस, यहाँ से 360 डिग्री व्यू दिखाऊं आप लोगों को। यहाँ पे वाटरफॉल है गाइस। कहाँ आ रहा है यूपी की गाड़ी देखना। आने टाइम में वहाँ पे शेर वगैरह टाइगर वगैरह बहुत ज्यादा मिलते थे। रात के टाइम में फ्लड आ रखे थे जून के टाइम में पिछले साल, तो यहाँ पे सारा ही नीचे चला गया था ये रोड ना। अभी पहुंच चुके हैं हम अपने नानी के। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है मेरा ये थर्ड डे सोलन में और गाइस अभी मैं जा रहा हूँ अपने नानी घर अपने मामू के साथ चाय। और गाइस कल मेरा सेकेंड डे था जो सोलन में, पूरे दिन मैं घर पे ही था। शाम को गया था 7:30 बजे खेलने बैडमिंटन ठोडो ग्राउंड में, और वहाँ मैंने इतना शूट नहीं किया कुछ भी। आज ये थर्ड डे, आज हम जा रहे हैं चायल, चलते हैं गाइस। मामू मेरे साथ हैं। व्यू चेक करो यार, मस्त व्यू आता है उससे। चलते यार गाड़ी में, अभी सामान रखते हैं, अपना बैग रखते हैं, आपको थोड़ी देर बाद मिलता हूँ मैं। तो गाइज निकाल रहे अपनी गाड़ी, अभी पीछे ही खड़ी है। और गाइज ये है, हम चंबा घाट में हैं, मेरे मामू चंबा घाट में रहते हैं, इधर बस स्टैंड से थोड़ी दूर है, ओल्ड बस स्टैंड से। बस निकालते हैं गाड़ी फटाफट से, आपको मिलेंगे। और गाइज अभी हम गिरिपुल होके जाएंगे अभी नानी घर। वैसे दो रास्ते हैं, एक हम जा सकते हैं इधर साधुपुल होके कंडा घाट साइड से, एक है इधर गिरिपुल साइड से शांति होके। तो अभी हम शांति वाले रोड से जा रहे हैं, चलते हैं गाइस इधर से। एक तीसरा रास्ता भी है इधर, है मोहन हेरिटेज के वहाँ नीचे से तीसरा रास्ता भी जाता है। वो मतलब वो लिंक, एक एक तरह का वो लिंक रोड है, वो वहाँ पे जाके लिंक होता है, गिरिपुल वाले रास्ते में लिंक होता है, वो थोड़ा शॉर्टकट पड़ जाता है। लेकिन हम अभी जाएंगे हम शांति होके। तो गाइस चलते हैं, आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं हम। गाइस अभी हमारा प्लान हो चुका है चेंज, हम शांति होके नहीं जाएंगे, अब हम जा रहे हैं अश्वनी खड्ड होके। तो गाइस वहाँ पे एक मंदिर आता है मोहन हेरिटेज, वहाँ पे जाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। चल रहे अभी, मामू भी साथ है, मामू गाड़ी चला रहे हैं, चलते हैं अभी। और ये एक रास्ता जाता है सीधा कंडा घाट साइड को, शिमला निकलता है आगे जाके। गाइस ये जो ऊपर मेन हाईवे था हमने यहाँ से कट ले लिया नीचे के लिए, और गाइस यहाँ से मतलब सिंगल लेन स्टार्ट हो जाता है सारा रास्ता। यहाँ पे अच्छे से चलना पड़ता है, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो सीधा ही नीचे। चलते हैं यहाँ से, एकदम से भी आ जाती है गाड़ियों की, हॉर्न ब्लो करके चलना पड़ता है यहाँ पे। और यूटर्न यूटर्न है काफी इस रास्ते में ना, नीचे जाके है बिल्कुल, फिर वहां से चढ़ाई होगी आगे को। ये देखो कैसे पिकअप आती है एकदम से, कुछ भी आ जाता है। बहुत ज्यादा शार्प टर्न है यार, देख सकते हो। लेकिन एक्सपर्ट ही जिसको चला रहे हैं, हाँ एक्सपर्ट चला रहे हैं हमारे। स्पीड देख सकते हो 40 तक की स्पीड है यहाँ पे। ब्लाइंड कर्व्स आते हैं, इनसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि एकदम से कुछ भी आ सकता है। बस भी चलती है इस रास्ते में बहुत सारी, ऐसे बस रहा है। एक तो हमारे हॉर्न में भी प्रॉब्लम आ रखी है, वो भी चेक करवाया था लेकिन वो कहते टाइम लगेगा, तो इसलिए हमारे पास टाइम था नहीं इतना। गाइस रास्ता देख सकते हो आप कैसा है, यहाँ पे ये भी चल रही है गॉड्स, आराम से चलना पड़ता है गाइस बिल्कुल। ये ऊपर को है मेन हाईवे साइड। गाइस आज मौसम भी बहुत ज्यादा खराब हो रखा है, बारिश हो रही है, आप सामने देख सकते हो छिट्टे पड़ रखे हैं, कहीं ना कहीं बर्फ पड़ रही होगी अपर एरिया में। और हमें बिल्कुल नीचे जाना है, अभी तेज हो चुकी है बारिश। गाइस हेरिटेज आए हैं हम, अभी चलते हैं आप इसके अंदर, इस आपको अंदर जाके दिखाऊंगा कैसा है सब कुछ अंदर से। और गाइस काफी ठंड हो रखी है, बारिश में थोड़ी थोड़ी लगी हुई है और हवा बहुत ठंडी चल रही है। चलते हैं अभी मोहन हेरिटेज के अंदर, मामू मेरे साथ में चलते हैं। गाइस पहुंच चुके हैं हम, काफी अच्छा वर्क किया हुआ है देख सकते हो। काफी अच्छा है गाइस, मतलब जो एक तो ये व्यू पॉइंट है ना गाइस बहुत सही है यहाँ पे, क्योंकि अभी हम जाएंगे वो सामने उस वाले माउंटेन पे। और गाइस चलते हैं अभी, आपको दिखाते हैं थोड़ा एक्सप्लोर कराते हैं मोहन हेरिटेज। गाइस ये है देख सकते हो आप, हम लेट हो रहे हैं, आपको सिर्फ थोड़ा एक्सप्लोर कराने के लिए यहाँ पे आया हूँ मामू के साथ में। मामू मेरे साथ में हैं। हाय हेलो गाइस। तो गाइस अभी यहाँ पे अंदर मेन दर्शन के लिए ये जगह है, यहाँ से जाते हैं अंदर। और गाइस अभी हम अंदर नहीं जाएंगे, अभी हम बाहर से आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। और गाइस यहाँ से 360 डिग्री व्यू दिखाऊँ आप लोगों को। गाइस
ये कुछ 360 डिग्री व्यू है यहाँ से गाइस, बीच माउंटेन्स के ये मंदिर बन रखा है पूरा। और यहाँ से इसको, ये जो सामने आपको पानी दिख रहा है इसको बोलते हैं अश्वनी खड्ड। और गाइस यहाँ पे मतलब टूरिस्ट वगैरह बहुत आते हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। इसको अभी गर्मी आने वाली है तो बहुत बहुत टूरिस्ट आने वाला है यहाँ पे। और गाइस ये स्पेशलिटी यहाँ की है कि यहाँ पे वाटरफॉल है गाइस यहाँ पे ना, वहाँ पे काफ़ी लोग जाते हैं, पैदल ट्रैक करना पड़ता है उसके लिए वहाँ पे जाने के लिए। और गाइस देख सकते हो अभी व्यू कितना अच्छा है। अभी हमें उस पहाड़ के बैक साइड पे जाना है। गाइस ये व्यू है कुछ यहाँ का, चलते हैं अभी हम लोग भी अपने घर के लिए निकलते हैं फटाफट से, फिर आपको मिलता हूँ थोड़ी देर बाद आगे। लोग निकल गए हैं अभी मोहन हेरिटेज से वापस घर के लिए। गाइस व्यू चेक कर सकते हैं यहाँ से, पूरा अश्वनी खड का व्यू है ये सारा। तो गाइस अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं, और गाइस वो ब्रिज के ऊपर से जाना है हमने वो दूसरी साइड को ना। गाइस ये है रास्ता यहाँ से, बिल्कुल सिंगल लेन है, और ये साथ साथ में खड भी है देखो। कहाँ आ रहा है यूपी की गाड़ी देखना, वहां जगह दिख रही है। बस चलते हैं अभी फटाफट से हम लोग। एक तो इनको चलानी आती नहीं, ऐसे ही आ जाते हैं, कहाँ बीच में ही रोक रहा है। चलो हम चलते हैं। और गाइस ब्रिज आ चुका है ये देखो, बहुत पुराना ब्रिज है गाइस, देख सकते हो आप। ये सारी नदी इसके नीचे से जाती है यहाँ से। ये देख सकते हो ये ब्रिज है। गाइज ये थोड़ा ऑफ रोड ट्रैक स्टार्ट हो जाता है यहाँ से ना, ऊपर तक क्या है कितने किलोमीटर का हम वो पैच है, ये 2 किलोमीटर का पैच है, ये ऑफ रोड ही है सारा ना। और गाइज हम वहां से आए हैं ऊपर से, आप देख सकते हो उस वाले साइड से इस वाली साइड आ चुके हैं हम अभी। गाइज चलते हैं, अब आपको आगे जाके मिलेंगे हम। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं लखोटी। और गाइस यहाँ पे मतलब एक चीज स्पेशल है, आगे जाके एक नाला आता है उसको बोलते हैं प्राग का नाला, क्योंकि पिछले पुराने टाइम में वहाँ पे शेर वगैरह टाइगर वगैरह बहुत ज्यादा मिलते थे रात के टाइम में, अभी भी होते हैं लेकिन अभी थोड़े कम हो चुके हैं। और गाइस ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत ज्यादा चला हुआ था, अभी यहाँ पे जब फ्लड आ रखे थे जून के टाइम में पिछले साल, तो यहाँ पे सारा ही नीचे चला गया था ये रोड ना। और गाइस यहाँ पे नया ब्रिज बन रखा है, यहाँ से पानी भरते हैं फ्रेश वाटर, वो देख सकते हो गाड़ी धो रहे हैं, ये नया ब्रिज है गाइस देख सकते हो। वैसे ये बहुत फेमस जगह है यहाँ पे ना लखोटी। वैसे चलते हैं अभी घर। गाइस अभी पहुंच चुके हैं हम अपने नानी घर, बट गांव में पड़ता है नानी घर, ये गांव है पूरा, ये गांव है, ये गांव का मंदिर है ऊपर। गाइस यहाँ से आगे थोड़ा सा 2-3 मोड़ आगे मेरा नानी घर आने वाला है, ये मंदिर है गाइस, शिव जी का मंदिर है ये। चलते हैं गाइस आपको दिखाता हूँ नानी घर, बस ये आगे है ये मोड़, बस यहाँ से मेरे नानी घर के लिए नीचे रास्ता कटता है, और ये सीधा रास्ता जाएगा चाइल्ड के लिए, इन नानी घर के लिए मेरा रास्ता कट गया थोड़ा। ये ऑफ रोड ट्रैक ही है पूरा है ना, नीचे तक खतरनाक मोड़ है, इसमें भी देख सकते हो। आराम से चलना पड़ता है यहाँ पे, खड्ड के पास में मेरा नानी घर है, वो रेड वाला मेरा नानी घर है, वहाँ जाना है हमने अभी, घूम के जाएंगे गाड़ी लेके नीचे। बारिश के टाइम में तो ये रास्ते में मतलब गाड़ी चढ़ाना बहुत इम्पॉसिबल सा ही हो जाता है, क्योंकि स्लिपरी हो जाता है सारा रास्ता। इस चलते अभी यहाँ से लेंगे हम नानी घर के लिए यू टर्न, गाड़ी मोड़ेंगे अपनी यहाँ पे खड्ड के पास में, देख सकते हो। यहाँ से यू टर्न लेके फिर अगले जो नीचे को रोड जाएगा बस वहां से हम जाएंगे। ये पूरी खड्ड है यहाँ पे, बारिश के टाइम में बहुत ज्यादा पानी हो जाता है यहाँ पे ना। चलते हैं गाइस, दोपहर के 2 बज गए हैं, काफ़ी लेट हो गए हम लोग भी, सुबह हम रास्ते में कहीं रुके थे तो इसलिए लेट हो गए।
लंच टाइम में पहुंच रहे हैं हम नानी घर अपने, सबको मिलते हैं अंदर जाके। गाइस यहाँ पे हम गाड़ी पार्किंग में लगाएंगे, उसके बाद चलते हैं। ये रही है हमारी गौ माता। इतने दिनों के बाद, इतने दिन मतलब कि 3 दिन के बाद हम पहुंच चुके हैं नानी घर। और गाइस अभी गाड़ी से सामान निकाल रहे हैं। ये पीछे रहा मेरा नानी घर। गाइस यहाँ पे गौ माता बैठी हैं अपनी, इनका नेम भी आपको अगले व्लॉग में पता चल जाएगा सबका, क्या क्या हमने नेम रख रखा है मतलब सबका ना। गाइस चलते हैं, सबको मिलेंगे अभी अंदर जाके फिर आप।